होगा कि मैं कुछ नॉर्मल एप्स के बारे में बताऊंगा जो आप हर वीडियो में देखते हो, पर नहीं, हर वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताता हूँ जिससे आपकी जिंदगी और अच्छी हो और जो आपके लिए काम की हो। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आपको इतने गजब एप्स के बारे में बताऊंगा जो आपको अमेज कर देगी, और अगर चौके नहीं तब कहना। आप बूढ़े हो गए तो कैसे दिखोगे? एक ताली से अपना मोबाइल कंट्रोल, हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन जानने वाली ऐप, दिमाग तेज करने वाली म्यूजिक ऐप से लेकर एक ऐसी ऐप जो आपको 2 मिनट में सुला देगी, सब आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। नंबर 1, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। ये एक ऐसी ऐप है जो आपकी फोन की स्टोरेज के साथ साथ आपके रैम को भी सेव करती है। आपने अक्सर ये नो स्टोरेज एरर जरूर देखा होगा। ज्यादा ऐप इंस्टॉल करने से न सिर्फ आपकी स्टोरेज और रैम कंज्यूम होती है बल्कि आपके प्रोसेसर पर भी ये ज्यादा लोड डालता है, जिसके चलते आपका मोबाइल स्लो हो जाता है। ये ऐप इन सब का सॉल्यूशन है। इस ऐप की साइज बस 3.3 MB है और ये करीब 300 ऐप्स के बराबर है। जनरली आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अलग अलग वेबसाइट्स या अलग अलग ऐप्स यूज करते हो। ये सारी ऐप्स करीब 15 से 20 MB की होती है, जो फोन की स्पेस और चलते समय रैम दोनों भारी मात्रा में कंज्यूम करती है। पर इस ऐप के अंदर आपको सारी वेब ऐप्स की लिस्टिंग एक ही जगह पर मिल जाए। हर कैटेगरी जैसे जनरल शॉपिंग, मूवी, रिचार्ज, फूड, मेडिसिन, ग्रोसरीज, सब कैटेगरी के सारे ऐप्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इस ऐप की सबसे फीचर है स्मार्ट सर्च। इस ऐप के स्मार्ट सर्च फीचर की हेल्प से आप अलग अलग वेबसाइट की प्राइस एक ही पेज में कंपेयर कर सकते हो। मान लो आपको एडिडास की सुपरस्टार स्नीकर्स लेना है तो सर्च करते हैं एडिडास सुपरस्टार स्नीकर्स। आप देख सकते हो कि सारी वेबसाइट्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आपको एक ही फ्रेम के अंदर मिल जाएगी। आप किसी भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो और बेस्ट को चूज करके उसे खरीद सकते हो, जिसकी रेटिंग और डिस्काउंट अच्छी है। आपको अलग अलग वेबसाइट या ऐप को विजिट करना ही नहीं है, इसमें एक वन क्लिक एक्सेस का भी ऑप्शन मिलता है। इसे ऑन करने के बाद आपके नोटिफिकेशन टैब पर ये टैब आ जाएगा और आप वन क्लिक के जरिए इस ऐप में एंटर कर पाओगे। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए और बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ये सबसे बेस्ट ऐप है, जो आपकी स्टोरेज, मेमोरी, समय और पैसे इन सब की बचत करती है, यानी इन सब को सेव करता है। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2, बाइन्यूरल बीट्स मेडिटेशन ऐप। क्या आपको बाइन्यूरल बीट्स के बारे में पता है? बाइन्यूरल बीट एक ऐसा म्यूजिक होता है जो आपके दिमाग पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। ये म्यूजिक 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के बनता है, मतलब आपके एक कान में अलग फ्रीक्वेंसी और दूसरे में अलग, और इसी के डिफरेंस यानी अंतर को आपका दिमाग रीड करता है, और इसके चलते आप अपने ब्रेन में जैसी चाहे वैसी प्रभाव डाल सकते हो। और हाँ, आपने सही सोचा, इसे काम करने के लिए आपको ईयरफोन से ही सुनना होगा। अगर बाहर के स्पीकर से सुनोगे तो ये काम नहीं करेगा, ईयरफोन या हेडफोन मस्ट है। तो इस ऐप में जाने के बाद आपको बहुत टाइप के बाइन्यूरल बीट्स मिलेंगे, जैसे स्लीप, बॉडी, ब्रेन, स्पिरिट और भी बहुत कुछ। तो आप ब्रेन के सेक्शन पर जाके बीट्स प्ले कर सकते हो, जैसे ये फोकस, मेमोरी और इन्हांस्ड स्किल्स वाली म्यूजिक है, और दूसरी है इंटेलिजेंस, इफिशियंसी और अटेंशन बढ़ाने के लिए। बाइन्यूरल बीट्स कुछ इस तरह का होता है। तो इसी म्यूजिक को सुन के आप अपना दिमाग तेज कर सकते हो। नंबर 3, चक्र हीलिंग म्यूजिक। जैसा कि आपको पता होगा, आपके शरीर में 7 चक्र होती है। हर चक्र या चक्रा, कुछ भी बोलो, आपके शरीर के अलग अलग कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर आपका सबसे नीचे वाला चक्र खुला तो आपके मन में जलन और ईर्ष्या जैसी चीजें खत्म हो जाएगी, और अगर आपकी हर्ट चक्र खुल गई तो आपके अंदर की इमोशंस बढ़ जाएगी। अगर आपकी थ्रोट चक्र ओपन हो गई
तो आपके बोलने की शक्ति में वृद्धि होगी। सिक्स्थ चक्र, छठा चक्र जिसे थर्ड आई यानी तीसरी आंख कहते हैं, यहाँ से शुरू होती यह अलौकिक शक्तियाँ यानी सुपर नेचुरल पावर्स। और सातवां चक्र ये होता है अल्टीमेट, ये खुलने के बाद आप इस ब्रह्मांड के सोर्स में मिलकर एक हो जाते हो और आपको परम ज्ञान मिलता है। तो ये म्यूजिक आपके इन्हीं चक्र को स्टिम्युलेट करती है और आपकी चक्र की ऊर्जा बढ़ती है। नंबर फोर, इंस्टेंट हार्ट रेट, इसे खोलने के बाद आप साइन अप कर सकते हो, मैं अभी के लिए स्किप कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपने कैमरे के ऊपर अपने फिंगर को रखना है, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर पर फिंगर रख के अनलॉक करते हो ना, बिल्कुल वैसी ही इस बार कैमरे पर अपना फिंगर रखो। हाँ, इस ऐप को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये वही टिपिकल प्रैंक ऐप है, पर नहीं, ये एक्चुअली हार्ट बीट मापता है आपके फिंगर को रीड करके। मैं मानता हूँ कि आपको इसका साइंस बताना जरूरी है। आप अपना फिंगर कैमरे पर रखते हो तब आपकी फ्लैश लाइट जल जाती है और तब आप अपने फिंगर को देखना पूरी रेड ग्लो करती है। जब आपकी हार्ट बीट होती है, मतलब धड़कन एक बार धड़कती है, तब फिंगर में ब्लड ऊपर नीचे होता है, जिसके चलते फिंगर्स का कलर कम रेड और ज्यादा रेड होता रहता है। और इसी को सेंस करके ये ऐप आपका हार्ट बीट पर मिनट पता कर लेता है। ये है मेरा हार्ट बीट टेस्ट, मतलब मेरा हार्ट एक मिनट में इतनी बार धड़कता है। नंबर फाइव, ईएमएफ डिटेक्टर यानी भूत पकड़ने वाली मशीन। अब मैं जानता हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं वही टिपिकल प्रैंक एप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए होता है, पर नहीं दोस्त, ये रियल ईएमएफ डिटेक्टर है। ये ऐप आपके मोबाइल को एक ईएमएफ डिटेक्टर में बदल देता है। ईएमएफ डिटेक्टर मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिटेक्टर। और आपको तो पता ही है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो घोस्ट की रिसर्च में जाते हैं, वो किसी अनजान वीरान घरों में ईएमएफ मशीन्स की हेल्प से ये पता करते हैं कि वहाँ कोई अलौकिक शक्तियाँ है कि नहीं। ईएमएफ अगर लो है तो ये ऐप आपको लो बताएगा, मतलब सब कुछ नॉर्मल है। और ईएमएफ अगर हाई होगा तो ये रीडिंग में हाई शो करेगा, और अगर वेरी हाई हो तो समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है आपके कमरे में। आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। आपके मोबाइल में एक बिल्ट इन मैग्नेटोमीटर नाम का सेंसर होता है और उसी की हेल्प से ये ईएमएफ कैच काफी काम की ऐप है, अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो। नंबर सिक्स, स्लीप म्यूजिक। इस ऐप को ओपन करने के बाद आप स्लीप सेक्शन में जाना। स्लीप में जाने के बाद स्लीप म्यूजिक प्ले होने लगेगा। ये म्यूजिक आपको सोने में मदद करेगा, मतलब ईयरफोन लगा के आप इस म्यूजिक को सुनोगे तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। नंबर सेवन, डीप ब्रीदिंग ऐप। डीप ब्रीदिंग ऐप सुन के आपको लग रहा होगा कि ब्रीदिंग ऐप मतलब अब सांस लेने के लिए भी ऐप आ गई है। नहीं भाई, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मतलब आपको इस बॉल और अपने सांस को सिंक करना होगा, और इससे क्या होगा, इससे पूरी मात्रा में आपके दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचेगा, जिससे आपको और फ्रेश फील होगा और आपका मूड हाई हो जाएगा। बैठ के 2 मिनट करके देखना, मजा आ जाएगा। नंबर एट, हाइड ऐप। हाइड ऐप एक ऐसी ऐप है जिसकी हेल्प से आप मैसेज को बिना सीन किए पढ़ सकते हो। मतलब जब भी आप व्हाट्सएप या मैसेंजर में कोई भी मैसेज देखते हो तब दूसरे तरफ सीन आ जाता है, मतलब उस इंसान को पता चल जाता है कि आपने मैसेज को देख लिया। पर अक्सर हम ये सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना सीन किए हम मैसेज को पढ़ लें, तो यही इसका सॉल्यूशन है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ती है, उसके बाद आपके सारे मैसेजेस मेन ऐप के साथ साथ इस ऐप के अंदर भी आने लगेगा और आप मैसेज को खोल के
पूरा पढ़ सकते हो। पर क्योंकि क्योंकि मैसेंजर या व्हाट्सएप को बिना खोले ही आप मैसेज को पढ़ रहे हो, इसलिए सीन नहीं होगा। बिना सीन के आप पूरा मैसेज पढ़ सकते हो। ये काम की चीज लगती है ना। नंबर 9, वर्क बैंड। म्यूजिक लवर्स के लिए ये सबसे बेस्ट ऐप है। इस ऐप के अंदर आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, जिससे आप जैसी चाहे वैसी म्यूजिक बना सकते हो। इसकी सबसे बेस्ट पिक है गिटार और ड्रम, क्योंकि इसकी साउंड बहुत ही रियलिस्टिक लगती है। ऐसा लगता है कि ये एक असली गिटार है। और ऊपर इस ऑप्शन में आपको अलग अलग टाइप के गिटार भी मिलते हैं, जैसे इसकी साउंड अलग है। नंबर 10, फ्लोटिंग एप्स। फ्लोटिंग ऐप की हेल्प से आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हो। एक स्क्रीन के ऊपर और एक स्क्रीन, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। एक में एक काम कर रहे हो और साथ ही साथ दूसरे में दूसरा काम। आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये ऐप आपके कितने काम आ सकती है। नंबर 11, फेस ऐप। क्या आप ये देखना चाहते हो कि आप जब बूढ़े होगे तो कैसे दिखोगे? फेस ऐप एक ऐसी ऐप है जिसकी हेल्प से आप अपने फेस को मॉडिफाई कर सकते हो, अपने चेहरे पर एक स्माइल ला सकते हो और जब बूढ़े होगे तो कैसे दिखोगे ये भी देख सकते हो। नंबर 12, फ्लैश लाइट ऑन क्लैप। इस ऐप के जरिए आप सिर्फ ताली बजाकर अपने फ्लैश लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। इस ऐप में जाने के बाद आप फ्लैश ऑन क्लैप पर क्लिक करना, इसके बाद नीचे ये दिखेगा, फ्लैश लाइट इज ऑन। अब आप जब एक क्लैप करोगे तो आपका फ्लैश लाइट ऑन